हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मैं ये मेकअप लुक लेके आई हूँ ना, ये है फ्रिडा कालो, जो मेक्सिको की बहुत ही ज़्यादा मशहूर पेंटर थी वो। और उनकी जो लाइफ थी ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था उनके लाइफ में और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी था। तो चलिए जानते हैं आज मेकअप करते करते फ्रिडा कालो की लाइफ के बारे में। ट्यूटोरियल आप देख ही रहे हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कॉमेंट में ज़रूर मुझे पूछ लेना। बट मैं सोचा कि यार ट्यूटोरियल तो सब भी बताते हैं, पर देख देख के तो आई थिंक आप थोड़ा समझ ही जाओगे, है ना। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाते बनाते आपको स्टोरी बता दूँ, तो थोड़ा सा आप भी इंस्पायर हो जाओगे मेकअप करते करते, अगर आप भी मेरी तरह मेकअप लवर हो। पर उनका जो लुक है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, बहुत ही ज़्यादा यूनिक, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करता है उनका लुक। मैं बहुत टाइम से ट्राई करना चाहती थी और आई एम श्योर आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये लुक। तो फ्रिडा की लाइफ ना एक बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि अगर आप अपने पैशन को आप इतना चाहते हो ना, अपने जान से भी ज़्यादा आप चाहते हो, तो उनकी लाइफ सच में एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। जब आपके पैशन आपके लिए इतना बड़ा हो ना, तो आपके लिए अगर लाइफ भी छोटी पड़े ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्रिडा का जो लाइफ था ना, बहुत ही ज़्यादा छोटा था देखा जाए तो। सिर्फ 47 ईयर्स में ही उनका देहांत हो जाता है, बट एक आर्टिस्ट का मौत कभी नहीं होता, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो फ्रिडा का लाइफ का जो स्ट्रगल था ना, वो बचपन से ही था, और उनके बचपन से ही रीढ़ के हड्डी में उनको प्रॉब्लम था, और 6 ईयर्स में ही पोलियो हो गया था उनको, और उसके वजह से एक पैर उनका छोटा रह गया था, और इस वजह से स्कूल में उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो इस वजह से ना उनका बचपन से ही उनका स्ट्रगल शुरू हो गया था, और जो भी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता था, हमेशा उनसे लड़ती थी और हमेशा मात देती थी अपने प्रॉब्लम्स को। तो लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम थे ना, सारे प्रॉब्लम को मात देके उनको लाइफ में कुछ करना था, उनको डॉक्टर बनना था। और वो अपने पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे रही थी कि एक दिन जाके वो डॉक्टर बनेगी। तभी एट द एज ऑफ 18 उनके साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हो गया। स्कूल से आते टाइम उनके साथ बहुत ही ज़्यादा एक दुखद घटना हुआ, बहुत ही बुरी तरीके से उनका एक्सीडेंट हो गया। बट उन्होंने कभी भी अपना हौसला नहीं छोड़ा, और जितने भी मुश्किलें थे, हमेशा उन्होंने अपने मुश्किलों के साथ लड़ाई किया, उन्होंने कभी अपनी हार नहीं मानी। सच में मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सोचती हूँ ना कि ऐसे सिचुएशन में भी उन्होंने, मतलब इतना उन्होंने लड़ा, इतना उन्होंने स्ट्रगल फेस किया ना अपने लाइफ में। और ये जो बेड रेस्ट था ना, बहुत ही लंबे टाइम तक था, तो तभी उन्होंने स्टार्ट किया पेंटिंग करना। और जितने भी पेंटिंग किए ना, आप अगर देखोगे ना, आप सच में ताज्जुब हो जाओगे कि इतने सुंदर, इतने पेनफुल पेंटिंग। मतलब आप एक एक पेंटिंग पे आप देखोगे ना, आप सोचोगे कि आप यार इतना दर्दनाक लाइफ है, इतना वैसा है, मतलब आपको खुद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतने अच्छे अच्छे पेंटिंग उन्होंने बनाई थी। तो एट द एज ऑफ 15 ना वो दियागो से मिली थी, और दियागो बहुत ही अच्छा पेंटर है। वो उनसे मिलके ना बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हुई थी उनकी पेंटिंग से, और जब उनका एक्सीडेंट हुआ, वो आए उनसे मिलने और उनके पेंटिंग को उसने ख़रीदना चाहा, और उसके फादर ने, फ्रिडा के फादर ने वो पेंटिंग बेचे उनको। और तभी से ना उनका एक रिलेशन बना, एक अच्छी दोस्ती की तरफ उनकी हाथ बढ़ी, और तभी से एक प्यार की शुरुआत हुई देखा जाए तो। फ्रिडा ने पहली बार उनको देखा था, वो एक्चुअली गलत हालत में थे, और वो थोड़ा सा कैसनोवा काइंड ऑफ था, आप समझ जाओ। तो उनको ट्रस्ट नहीं था उन पर, बट धीरे धीरे करके फ्रिडा को भी प्यार हो जाता है और शादी करती है उनसे। जो फ्रिडा की जो माँ थी वो खुश नहीं थी, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी 2-3 शादी हो चुकी थी पहले, इनसे ही शादी करना सही रहेगा कि नहीं उनके बेटी के लिए, जैसे कि हर माँ सोचती है। बट फिर भी फ्रिडा सुनती नहीं है, वो बहुत ही उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा बोल्ड थी वो, और उनके मतलब डिसीजन खुद लेती थी वो खुद से। फिर उनसे शादी करती, शादी करने के बाद ना वो जब सुबह उठी तो देखा उनका एक्स वाइफ आई हुई थी, उन्होंने उनके लिए उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। और ये देख के फ्रिडा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि यार सीधी सी बात है, आप शादी के नेक्स्ट डे ही आप देख रहे हो कि आपकी लाइक सौतन घर पे हैं, तो कैसा लगेगा ना।
तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने उनको बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हो ऐसे ऐसे, बट फिर भी फ्रिडा इतनी ज़्यादा स्वीट है कि उनसे भी दोस्ती हो जाती है। बस इसी तरीके से कुछ टाइम तक लाइफ उनकी चलती रहती है। उनकी एक्स वाइफ और उनके बच्चे भी थे बाय द वे डियागो के, और डियागो ना देखने में इतने अच्छे नहीं थे फ्रिडा के हिसाब से, और उससे डबल एज का भी था। बोलते ना लव इज़ ब्लाइंड, अब प्यार करो तो फिर उसमें एज और उसका तो कुछ फ़र्क होता नहीं है। तभी उनको प्यार हो गया था तो उसने शादी कर ली थी, बट कहीं ना कहीं फ्रिडा को भी पता था कि वो थोड़ा सा उस नेचर का है, कैसनोवा है, वो फ्लर्टिशियस है, वो बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, और उसके बहुत सारे नाजायज ताल्लुकात थे, है ना, जब उनकी फर्स्ट वाइफ के साथ था, सेकेंड वाइफ के साथ था, तब भी था, तो उसको लगा कि उसकी आदत कैसे छूटेगी ये सब, है ना। तो ये सब लेके फ्रिडा के और डियागो के बीच में भी धीरे धीरे करके ये सब झगड़े चालू होते रहे, और झगड़े होते थे बट फिर भी वो फिर से दोबारा फ्रिडा के पास आ जाते थे, तो इस टाइप से उसकी लाइफ चलती रही। एक दिन वो भी ये चीज़ सह नहीं पाई और उसने भी 10 साल शादी के बाद 10 साल बाद उन्होंने डिवोर्स लिया, और इसी तरीके से ना उनकी लाइफ चलती रही। और सच में उनकी लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप करी होगी, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगी ये स्टोरी के साथ, क्योंकि उन्होंने पर्सनल लेवल पे क्या क्या फेस किया होगा, और उनकी पर्सनल चाहे शादी हो, सबको पता था कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और जो उनका आखिरी टाइम था ना उस टाइम पर भी उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई थी। वो बेड में गिर चुकी थी, एकदम हालत उनकी ख़राब थी, तब भी उन्होंने पेंटिंग करना नहीं छोड़ा। तो इसीलिए गाइस मैं बोलूँगी, आपका जो सपना है ना उसको हमेशा आप पूरा करना, उसको जीना, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया मतलब बोलते ना कयामत भी आ जाना, तब भी आप उस चीज़ को, आपका सपने को कभी मत छोड़ना। आपका सपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सब चीज़ करते हैं जो हमारी ज़रूरत है, तो उसी वजह से हमारे जो सपने हैं ना उसको भी हमें इतना तवज्जो देना चाहिए, जो ये मैं सोचती हूँ पर्सनल लेवल पे। और हमें ना देखो, ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही आएंगे, जहाँ आपने कोई काम शुरू किया वहीं पे ही आपका ऑब्स्टिकल्स आना चालू, पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी, ठीक है, आपके फैमिली से लेके हर एक, आपके दोस्त, और वैसे भी दोस्त तो ये सब किसी काम के होते नहीं है, मुश्किल से एक दो दोस्ती होते जो बहुत ज़्यादा खास होते, बहुत अच्छे होते हैं, जो आपके बचपन या फिर जवानी या फिर बुढ़ापे में कोई ऐसा मैटर नहीं करता, अच्छे लोग तो आपको कहीं पर भी मिल जाते हैं, बट बात यह है कि मतलब लोग कैसे होते क्या है वो मैटर करता है ना, आपके अच्छे लोग भी आपको मिल जाते हैं किसी भी एज में, ऐसा कोई वो नहीं है, बट हाँ बचपन की दोस्त की तो बात अलग ही होती है वैसे भी। और मेरा बोलने का मतलब ये है कि यार आपको ना इनकी स्टोरी से ना आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि इन्होंने इतना कुछ, आप पढ़ोगे ना उनकी स्टोरी, अगर आप गूगल करोगे ना, ठीक है, आप वो सब देखोगे ना, आपको सच में आपके ना आँखों से आंसू निकल जाएंगे, बोलेंगे कि यार क्या लाइफ है यार, उन्होंने कभी भी हार नहीं माना यार, और हम लोग थोड़े से ऑब्स्टिकल जैसे ही आते ना हम लोग पीछे हट जाते, कोई भी अपना सपना पूरा नहीं करते हम लोग। तो गाइस इस स्टोरी से आप समझ जाओ कि यार हमें अपने लिए जीना है, अपने लिए करना है, दुनिया जाए भाड़ में, है ना, ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है तो हमें अपने हिसाब से हमें जीना चाहिए, भले हमारी फैमिली क्यों ना हमें बोले कि नहीं तुम इस तरीके से मत जियो। हाँ, जो जायज़ चीज़ है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ये नहीं कि आप कुछ भी करो आप ऐसे निकल के घर से, वो सही नहीं है, बट जो जायज़ चीज़ है उसके लिए आप लड़ो, आप करो, आपको देखना एक दिन आपको सक्सीड ज़रूर मिलेगा, दैट्स अ प्रॉमिस। और देखो जो मेहनत करते ना उनकी कभी हार नहीं होती है, ठीक है, आप मुझे ही देख लो ना, मेरे को व्यूज़ आते ही नहीं है मैं क्यों हंस रही हूँ, क्योंकि मुझे हंसी आती है, मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा डब्बा है जिस पे मैं वीडियो बना बना के डाल रही हूँ, बट इट्स ओके, ठीक है, चलता है। आप ये सब दिनों को याद करोगे ना, जब अच्छे दिन आएंगे हम लोग याद करेंगे इस दिन को, यार वीडियोज़ बनाती थी, इतना मेहनत करती थी, एडिटिंग हर एक चीज़ अच्छे से करती थी, तभी भी मतलब देखो कोई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे भी लगता है कि मेरे वीडियोज़ में बहुत सारी कमियाँ हैं, क्योंकि मैं इतना फॉलो नहीं करती हूँ ट्रेंड को, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार आप खुद, अगर मैं अपना जो मेरा प्रोफेशन है उससे हटके मैं कुछ कर रही हूँ तो मुझे वही करना चाहिए जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मैं इतना ट्रेंड को फॉलो करके और वो फॉलो करके इतना मैं नहीं जीती, मैं मेरे स्टाइल से मैं जीती हूँ, मैंने यही सीखा अपने लाइफ से, और मुझे लगता है हर किसी को अपने हिसाब से जीना चाहिए। आप सोचो मत इतना लोगों के बारे में, सोचते रहोगे ना तो फिर पूरी ज़िंदगी सोचते रहोगे, और बोलते ना वो चार लोग जिसने आज तक वो चार लोग नहीं देखे वो चार लोग तो बातें करते रहेंगे। तो यही था गाइज इस वीडियो में, मैं आप सबको बहुत ज़्यादा
मोटिवेट करना चाहती हूँ, आप अगर देखो आपको अगर मेकअप पसंद है, आपको फैशन पसंद है, कुछ भी पसंद है, आप करो, ठीक है। आप पढ़ाई करो, देखो पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो बेसिक है, ठीक है। वो आप अगर नहीं करोगे ना तो आप लाइफ में कुछ, आपको वो लाइफ का जो क्या बोलते हैं गोल है ना, वो आपको नहीं दिखेगा। वो आपका पढ़ाई बेसिक होना ही चाहिए। पढ़ाई करो, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो, और स्टडीज़ करते करते जो आपका पैशन है उसको भी धीरे धीरे आप स्टार्ट करो। उसके बाद देखना लाइफ इतनी ब्यूटीफुल होगी ना, और आप हर चीज़ करोगे, ठीक है। आपको प्यार करना है, जो भी करना है करना, बट एक टाइम के बाद गाइस, ठीक है। क्योंकि एक टाइम के बाद आप इतने मैच्योर हो जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत पका दिया आपको, आई नो आप सोचोगे क्या है इसको, क्या पड़ी है इतनी ज़्यादा पका रही है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मेरे को सपोर्ट करना यार। आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज, ठीक है। और बताना कुछ सजेशन हो तो मैं उसके ऊपर ज़रूर कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना और एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी उसको देख के, मेरा दिन बन जाता है, ठीक है। तो आप इंजॉय कीजिए इसका कम्प्लीट लुक। बाय, लव यू, टेक केयर। Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show.